आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। कांग्रेस पार्टी द्वारा 25 अक्टूबर से आयोजित होने वाले प्रशिक्षण शिविर कार्यक्रम की आज समीक्षा बैठक सगड़ी विधानसभा के विकास खंड अजबतगढ़ के कैंप कार्यालय पर की गई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रदेश सचिव व आजमगढ़ प्रभारी अहमद शमशाद ने कार्यकर्ताओं से प्रशिक्षण शिविर की तैयारियों को लेकर चर्चा की और साथ ही शिविर को सफल बनाने के लिए अधिक से अधिक कार्यकर्ताओं के जुटने का आह्वान भी किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए अभी से कार्यकर्ता तैयारी में जुट जाएं। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण शिविर इसलिए किया जा रहा है कि ताकि कार्यकर्ता बूथ स्तर पर अपने मतों को सहेज ले, वोटर लिस्ट को सही कर ले और पार्टी के कार्यकर्ताओं को सक्रिय कर दे, ताकि होने वाले विधानसभा चुनाव में कोई भी मतदाता मत देने से वंचित न रह जाए। इस बार किसी भी हालात में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाकर प्रियंका गांधी के हाथों को मजबूत करना है। वहीं सगड़ी विधानसभा प्रभारी अजीत राय ने कहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में यदि कांग्रेस की सरकार बनी तो कांग्रेस पार्टी ने जो 7 प्रतिज्ञाएं घोषित की है, जिनमें से पहली प्रतिज्ञा टिकट में महिलाओं की 40% हिस्सेदारी, दूसरा प्रतिज्ञा लड़कियों को स्मार्टफोन और स्कूटी, तीसरी प्रतिज्ञा किसानों का पूरा कर्जा माफ, चौथी प्रतिज्ञा 2500 में गेहूं धान 400 पाएगा गन्ना किसान, पांचवी प्रतिज्ञा बिजली बिल सबका हाफ, कोरोना काल का बकाया साफ, छठी प्रतिज्ञा दूर करेंगे कोरोना की मार, परिवार को देंगे 25,000, सातवीं प्रतिज्ञा 20 लाख युवाओं को सरकारी रोजगार हमारी सरकार देगी। हम सभी को 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से जुट जाना होगा। इस दौरान मौके पर PCC सदस्य मुकेश राय, राणा खातून, दिग्विजय गांधी, महताब आलम, शुभम राय, अरविंद जायसवाल और तमाम कांग्रेसी मौजूद रहे। न्यूज 9 भारत के लिए आदर्श श्रीवास्तव की रिपोर्ट। क्या नाम है सर आपका? अहमद शमशाद, प्रदेश सचिव कांग्रेस पार्टी। अच्छा, आपके यहाँ किस तरह की ये बैठक की गई थी, क्या उद्देश्य इसका? 25 तारीख को हमारे विधानसभा सगड़ी में प्रशिक्षण शिविर होने जा रहा है। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँ कि पिछले महीने से उत्तर प्रदेश के हर विधानसभा में आदरणीय प्रियंका गांधी जी के निर्देशानुसार, अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी के निर्देशानुसार, हम उत्तर प्रदेश के हर विधानसभा में कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे गांव के कार्यकर्ता, न्याय पंचायत के कार्यकर्ता, ब्लॉक के कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी से प्रेरणा लेते हुए शिविर में आएंगे और प्रशिक्षण लेके आगामी 2022 की लड़ाई की तैयारी के लिए हम अपने कार्यकर्ताओं को ये शिविर में बुला रहे हैं। और कुछ क्या कहेंगे सर जी? और कुछ क्या कहेंगे सर? 25 तारीख का लड़ाई आपके सामने है। उत्तर प्रदेश की सियासत में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी अहंकारी दौर का जो शुरुआत किया है, आप देखे होंगे कि जब भी हम महिलाओं की बात करते हैं, बच्चों की बात करते हैं, छात्रों की बात करते हैं, बेरोजगारों की बात करते हैं, यहाँ तक कि अगर किसी व्यक्ति के ऊपर पुलिसिया जुल्म हो या कोई भी शिकार हुआ हो, अगर हम हमारे नेता वहाँ मिलने जाते हैं तो ये दमनकारी सरकार सबसे पहले हमारे नेता को गिरफ्तार करने का काम करते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि आदरणीय प्रियंका गांधी जी इस निकम्मी सरकार के खिलाफ लगातार लड़ाई लड़ रही हैं और जनता को इस विश्वास के साथ सहयोग कर रही हैं कि आने वाले 2022 ही नहीं बल्कि 2024 से लेकर आने वाले समय में कांग्रेस उत्तर प्रदेश की जमीन से जुड़कर काम करना चाहती है और विकास के लिए, निर्माण करने के लिए हम सब एक होकर 2022 के चुनाव में भागीदारी ले रहे हैं और मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। ठीक है, ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगी इजाजत, नमस्कार।